सामने की ओर आपको दिखा दूं कि मैंने फाइनली यहाँ तक का खोद दिया है। तो सामने यहाँ से खोदा है इस जगह को, और सामने इस जगह से होते हुए यहाँ पे जहाँ पे कि ये अड़ाव निकाली हुई घास जलाई जा रही है, इस जगह से थोड़ी आगे तक यहाँ तक खोद दिया है। तो अभी था इतना ही, और जैसा कि मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी, ठीक है, और आपने देख ही लिया पसीना भी आ चुका है। तो सामने अभी जैक यहाँ चला गया है, और अब मैं लेता हूँ मुँह हाथ धो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पसीना हो गया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि दोस्तों आप सभी स्वस्थ एंड तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों आज सुबह जैसे कि है काफ़ी शांत और है काफ़ी ठंडा मौसम। दोस्तों सुबह के समय जैसे करना था कुछ काम, तो सुबह है ठंडा ठंडा मौसम, तो क्यों ना थोड़ी ठंडे मौसम में कर लें कुछ काम। जैसे कि सामने की ओर आपको मैं दिखाऊं, तो इस जगह में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे कुछ पेड़ हैं जिस जगह पे गीला हो रहा है। तो ये एक साइड है शिमला मिर्च और दूसरी तरफ है बैगन। तो इन पेड़ों को अभी शिफ्ट किया जाएगा, जैसा कि अभी इस जगह पे को हमने लगाए हैं। भिंडी तो उग गई है दोस्तों, और मूली अभी उगी नहीं है। तो सामने इस जगह में यहाँ पे कि आप देख पा रहे हैं इधर घास वास और एक खाली जगह है, तो इन जगहों में लगाएंगे ये शिमला मिर्च और बैंगन के पेड़। तो अभी पहले इस जगह को खोद लिया जाएगा, तो उसके बाद इस जगह पे को की जाएगी इन छोटे पौधों की शिफ्टिंग, जो कि इस जगह में लगाई जाएगी दोस्तों। तो फाइनली अभी कर लेते हैं खेती की खुदाई। तो सामने जैसे की थी हरी घास, उसको कर लेते हैं पहले इकट्ठा, और उसके बाद करूँगा दोस्तों यहाँ पे खेती की खुदाई। तो अभी करता हूँ, और आप बने रहें ब्लॉग में, कंटिन्यू इस ब्लॉग को वॉच करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो अभी जैसा कि मैंने खुदाई शुरू कर दी थी, और अभी कुछ खोद भी दिया है, तो अभी थोड़ी ले रहा था आराम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्योंकि थोड़ी बॉडी हीट होने लगी है, और जैसे कि सुबह का समय है, आ चुकी है धूप भी, तो उसके अकॉर्डिंग अभी थोड़ी शरीर में गर्माहट आने लगी है, थोड़ी थक चुका हूँ, तो थोड़ी करता हूँ रिलैक्स, और फिर उसके बाद से करता हूँ कंटिन्यू खुदाई। जैसा कि आपको सामने की ओर दिखाऊँ तो दोस्तों, तो सामने कुछ इस तरह से मैंने इतना खोद दिया है, तो आपको दिख तो थोड़ा रहा होगा, मगर वो थोड़ा नहीं काफ़ी है, और जिसे मैंने अभी खोदा है और जिसे खोद के अभी मैं चुका हूँ पहली बार तक, तो अभी इतना खोद चुका हूँ। तो करते हैं अभी आगे कंटिन्यू इस खेत की खुदाई। तो दोस्तों सामने की ओर जैसा कि अभी मैंने इतना तो ये खोद दिया है, तो अभी आगे खोदना है, तो जैसे कि आपको दिखा देता हूँ सामने की ओर देख पाऊंगे ये जगह जहाँ पे कि अभी मैं खुदाई, जहाँ पे लगेगा बैंगन और शिमला मिर्च का पौधा। तो दोस्तों अभी करते हैं कंटिन्यू खुदाई, कर लेता हूँ इससे लाली खत्म, क्योंकि अभी इस जगह पे धूप है नहीं, अगर धूप आ जाती है तो हो जाएगी काफ़ी सारी गर्मी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अभी मैं नॉर्मल हूँ, हाँ बॉडी हीट कर चुकी है, बट अभी ठीक हूँ। जैसा कि सामने की ओर आप देख पा रहे होंगे आ चुकी धूप, और जो है काफ़ी तेज़। तो सामने आप देख पा रहे होंगे सामने घर की ये छाया जैसे कि खेत में है, और सामने इस जगह पे अभी
धूप नहीं आई है। तो दोस्तों इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे धूप नहीं आई है। तो सामने जैसा कि ये मेरे घर के आगे ये काफ़ी सारे पेड़ है, तो इनसे थोड़ी धूप नहीं आ पा रही है, और जो कि इन्होंने अभी यहाँ पे ठंडा किया हुआ है, छाया बनाई हुई है। तो अभी इस छाया छाया में कर लेता हूँ इस काम को फिनिश, क्योंकि धूप में कर पाना बहुत कठिन हो जाएगा। तो करते हैं दोस्तों कंटिन्यू आगे, और मैं आपको अब दिखाऊंगा लास्ट फाइनली, जब इसे मैं पूरा फिनिश कर दूंगा खुद के, खाता हूँ दोस्तों। अभी फाइनली आप देख रहे होंगे मेरे चेहरे पे आ चुका है काफ़ी सारा पसीना, तो होने लगी है गर्मी, और क्या करें, काम तो करना था ही, आज नहीं तो कल, सुबह नहीं तो शाम या दिन में कभी भी, क्योंकि पेड़ अब शिफ्ट करने का समय आ चुका है। तो फाइनली अभी आप देख पा रहे होंगे मैंने ये सारी जगह को दिया फुली, तो अब इस जगह की जैसे जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ हल्की फुल्की धूप नज़र आ रही है, तो इस धूप को करेगी मम्मी साफ, और फिर थोड़ी इससे कर लेंगे प्लेन, और फिर यहाँ पे लगाएंगे दोस्तों शिमला मिर्च और बैंगन के पेड़। तो अभी था इतना ही, और जैसा कि मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी, ठीक है, और आपने देख ही लिया पसीना भी आ चुका है। तो सामने अभी जैक यहाँ चला गया है, और अब मैं लेता हूँ मुँह हाथ धो, काफ़ी ज़्यादा पसीना हो गया है। तो फाइनली अभी धो चुका हूँ हाथ और पैर, जैसा कि सामने की ओर आपको दिखा पा रहा हूँ। तो सामने दोस्तों ये है मेरी चप्पल, जिन्हें अभी मैं पहन लेता हूँ और करता हूँ थोड़ी आराम अगर हो सका तो। तो सामने की ओर दोस्तों ये अभी आ चुका है जैक यहाँ पे, और सामने इसकी नज़र बनी है। सामने आपको अगर मैं दिखाऊँ तो दोस्तों सामने उस पेड़ के पास में काफ़ी सारे बंदर, जो कि कर रहे हैं आजकल काफ़ी सारी शैतानी, क्योंकि कल हुआ क्या था कि मैं सोया था कमरे में और रखे थे कमरे में केले, तो बंदर आया चुपके से और केले भी लेकर चला गया और मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी जैक उन्हें देख रहा है, और जैक इनसे काफ़ी गुस्सा है आई थिंक, ये घर के अंदर से सामान लेकर चले जाते हैं और काफ़ी सारे होते हैं तो फिर कुत्तों को भी डरा देते हैं। तो सामने अभी कुछ इस तरह से दोस्तों, अगर आपको मैं दिखाऊं सामने की ओर, जैक जा चुका है घर से बंदरों के पास में, तो अभी वहां पहुंचने वाला होगा। देखो सामने आ चुका है जैक, और ये पहुंच चुका है सामने, और ये अभी एक जैक है, और साथ में अभी उधर से एक और कुत्ता भी आ चुका है, और ये जो अभी बंदरों को यहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बंदर बैठ चुके हैं ऊपर, और कुत्ते कितना भी भौंक रहे हैं तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और तो और ये उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सामने देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ के बंदर भी हो चुके हैं काफ़ी खुशहाल, और कर रहे हैं काफ़ी सारा आतंक। तो सामने दोस्तों ये है हमारा केले का पेड़, और सामने आप देख पा रहे होंगे अभी धूप भी आ चुकी काफ़ी सारी। तो सामने ये है कद्दू की पेड़, और कुछ इस तरह से अभी मैंने इस जगह से खुदाई, तो सामने जैसा कि मैंने आपको बताया था
इस जगह की जो धूप है उसे अभी कुछ देर में मम्मी निकाल लेगी। तो सामने अभी मम्मी करने लगी है, जहाँ पे अभी मैंने करी थी किराए उस जगह की निकालेगी अभी मम्मी धूप, तो कर रही है सफाई। तो सामने कुछ आम के दाने और सामने आपको मैं दिखा पा रहा हूँ दोस्तों मेरे यहाँ का वेदर। तो सामने की ओर दोस्तों अगर मैं दिखाऊँ आपको, अभी सुबह का बज रहा है कुछ ये टाइम, जैसा कि मैं आपको घड़ी से दिखा देता हूँ। तो होप यू गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। तो करते हैं दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, जैसा कि दोस्तों ये है पार्ट वन, और पार्ट टू जो बनेगा दोस्तों उसमें लगाऊंगा मैं यहाँ पे पौधे। तो दोस्तों जब तक के लिए आप देखते रहे मेरी वीडियो को और मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।